बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सिंगल कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है। और ये डिजाइन 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। फ्रंट साइड से ऐसे दिखता है और बैक साइड से ऐसे दिखता है। यहाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 17 फंदे डाले हैं, 16 फंदे डिजाइन के और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरह हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब हमारे पास लास्ट में 2 फंदे बचे, इन्हें हमें दोनों फंदों को सीधा बुनना है। फिर उल्टी साइड में जो फंदे जैसे बुने हैं उन्हें वैसा ही बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा उल्टा। तो जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है और जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है। लास्ट में 2 फंदे उल्टे। अब हमारी यहाँ से डिजाइन शुरू होती है। अब ये 2 सिलाइयाँ हमारे आगे रिपीट नहीं होंगे, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। तो डिजाइन की फर्स्ट रो है, पहला फंदा बिना बुने उतारा और दूसरे फंदे को बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करना है और इन 3 फंदों को इस सिलाई में ले लेना है, 2 और ये 3। फिर इस धागे को इधर से पीछे लेना है और इन 3 फंदों को वापस इसी सिलाई में ले लेना है, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें एक फंदा उतारा, एक उल्टा बुना, एक सीधा बुना, फिर धागा लपेटा और एक फंदा उल्टा, इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। धागा पीछे किया, एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को, एक उतारा हुआ फंदा और एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन 3 को उतार कर इस सिलाई में लेना है और फिर धागा पीछे वापस, फिर इन 3 फंदों को इसी सिलाई में लेकर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा बुन देना है। फिर सेम रिपीट करना है, एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना और धागा अपनी तरफ, 3 फंदों को इस सिलाई में लिया, फिर धागा इधर से पीछे लेकर इन 3 फंदों को वापस इसी सिलाई में लेकर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा बुना और धागा अपनी तरफ, फिर इन 3 फंदों को इस सिलाई में लेना है, उनको पीछे करके फिर वापस इन 3 फंदों को इस सिलाई में ले लेना है। फिर अब हमें यहाँ उल्टा फंदा नहीं बनाना है, लास्ट का फंदा है तो इसे सीधा बुन देना है। फिर उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये फंदा हमारा सीधा था तो इसे सीधा बुनना है, सॉरी ये उल्टा था तो इसे उल्टा बुनना है, ये सीधा फंदा है इसे सीधा बुनना है। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे ही हमें ये सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर इन 3 फंदों में एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा,
एक सीधा और लास्ट के दो फंदे उल्टे। इस तरह हमारी ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। अब तीसरी सिलाई में हमें डिजाइन सेम रहेगा लेकिन डिजाइन की जगह हमें चेंज करनी है। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हमने बिना बुनाई उतार दिया और दो फंदे, एक और ये दो फंदे सीधे बुने। फिर धागा अपनी तरफ करना है, सॉरी धागा पीछे रहेगा और अब यहाँ से हमारा डिजाइन रिपीट होगा। तो पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ और इन तीन फंदों को इस सिलाई में लेना है, फिर धागा पीछे करके और फिर इन तीन फंदों को वापस इसी सिलाई में ले लेना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। तो यहाँ से एक दो तीन चार, इन्हीं तीन चार फंदों को हमें रिपीट करना है। तो एक फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदों को इस सिलाई में लेना है और धागा पीछे करके फिर वापस इन फंदों को इसी सिलाई में ले लेना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा बुना, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ, इन तीन फंदों को उतारा और इस सिलाई में लिया, धागा पीछे किया ऐसे लपेटते हुए और इन तीन फंदों को वापस इसी सिलाई में लेकर एक फंदा उल्टा बुनना है। अब हमारे पास दो फंदे बचे हैं तो इन्हें सीधा बुन देना है और उल्टी सिलाई में जो फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुनना है, जो सीधे हैं सीधे बुनना है। तो दो लास्ट में हमने सीधे बुने थे तो इन्हें उल्टा बनाना है, एक फंदा उतारा एक उल्टा बुन लिया, फिर ये फंदा सीधा दिख रहा है इसे सीधा बुनना है, फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, एक सीधा एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इसी तरह सिलाई कंप्लीट करनी है। और लास्ट में दो फंदे बचे इन्हें उल्टा बना देना है। इस तरह हमारा ये चार सिलाइयों के डिजाइन यहाँ कंप्लीट होता है। इन्हीं चार सिलाइयों को हमें पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाना है। तो बनने के बाद हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। आप भी ये डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।